ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे के मंत्री और कट्टर समर्थक तुलसीराम सिलावट अब खेमा बदलने की फिराक में हैं। लगता है सिलावट ये समझ चुके हैं कि अगर उन्हें बीजेपी में ही रहना है तो सिर्फ महाराज की जी हजूरी करने से काम नहीं चलेगा। उन लोगों का दामन थामना ही होगा जो खांटी भाजपाई हैं और सीधे पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह तक पहुंच रखते हैं। बीजेपी में अपनी बैठ गहरी करने के लिए अब सिलावट उन लोगों से भी बराबरी से मिलजुल रहे हैं जिनके साथ मंच साझा करना तक गवारा नहीं था। वैसे तब वो कांग्रेस में थे, इसलिए इंदौर के बड़े बीजेपी नेताओं के खिलाफ बोलते रहे। अब बीजेपी का हिस्सा है तो उन लोगों से मेलजोल बनाए रखना मजबूरी है, क्योंकि इंदौर में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का दबदबा कितना है ये सब जानते हैं। वो कहावत भी है कि तालाब में रहना है तो मगरमच्छ से बैर नहीं करना चाहिए, पर कांग्रेस में रहे सिंधिया तब तक विजयवर्गीय के खिलाफ दमदारी से राजनीति करते रहे और सिलावट उनके पीछे रहे। अब दोनों ही बीजेपी में है तो मजबूरी है कि सबसे पहले विजयवर्गीय के खेमे में जगह बनाई जाए ताकि इंदौर में लंबे समय तक उनकी राजनीति चलती रहे। यही वजह है कि अब विजयवर्गीय के समर्थकों के आगे पीछे रहने से भी सिलावट को गुरेज नहीं है। हाल ही में इंदौर के मेघदूत गार्डन में ओपन जिम का शुभारंभ करने पहुंचे मंत्री जी अपने साथ रमेश मंदोला को भी ले गए। फीता भले ही खुद काटा पर मंदोला भी बराबरी से खड़े रहे। इतना ही नहीं, दोनों ने साथ में झूला भी झूला। क्या ये साफ संदेश नहीं कि विजयवर्गीय के खासम खास मंदोला के साथ घूमकर सिलावट यही संदेश देना चाह रहे हैं? वो भी अब विजयवर्गीय खेमे के ही सिपहसालार हैं।